नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। आज हम करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई बातें, जो कि है बिग बॉस के घर से। जानी मानी हस्ती पवित्रा पुनिया ने सुमित माहेश्वरी संग शादी और धोखा देने के दावों पर तोड़ी है चुप्पी। जी हाँ, कहा मैं एजाज खान की यादों में हूँ, बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया ने सुमित माहेश्वरी के दावों पर कमेंट करने से फिलहाल इनकार कर दिया है कि दोनों शादीशुदा है और एक्ट्रेस ने उन्हें 4 बार धोखा दिया है। पवित्रा का कहना है कि वह सही समय आने पर सभी आरोपों पर बात करेंगी और वर्तमान में यह उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। पवित्रा बिग बॉस 14 के वीकेंड का वॉर एपिसोड में शो से बाहर हो चुकी थी। एक दिन बाद सुमित ने पवित्रा पर यह आरोप लगाए थे कि पवित्रा ने शो में कहा था कि वह दोनों सगाई करने वाले थे, हालांकि कुछ वजह से उनकी सगाई टूट गई थी। पवित्रा ने डीएनए से बातचीत में कहा, मैं जल्द ही सभी सवालों का जवाब दूंगी। ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी की लाइमलाइट पाना अच्छा है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि इस विषय पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही इस पर बात करूंगी। अभी मैं एजाज की यादों में हूँ, मैं सिर्फ लाइव और अनकट वीडियो देख रही हूँ और देख रही हूँ कि वह मुझे कितना याद कर रहे हैं। मैं इस पार्ट को एंजॉय कर रही हूँ और मैं इन बेकार की बातों से अपनी यादों को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। पवित्रा ने पारस छाबड़ा के साथ रिलेशनशिप पर भी कमेंट किया था। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति प्रसिद्धि की सीढ़ी चढ़ता है तो उस व्यक्ति को उसके नीचे खींचने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता है। इससे पहले कि मैंने अपने घर में प्रवेश किया, मैं इन दो लोगों को, पारस छाबड़ा और माहिरा के बारे में पूरी तरह से तैयार थी। प्रतीक के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है। उनके लिए मुझे हमेशा से ही पता था कि जब मैं बिग बॉस 14 के घर में जाऊंगी तो वो मेरे पीठ पीछे बोलेंगे। मेरे लिए वो लोग मायने नहीं रखते हैं।